पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अरे यार तू देख बन हम देव क्या नाम मेरा गांव पलवी। हम तो बस में जाते, बस में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, लड़कों छेड़छाड़ करते हैं, हमें बहुत डर लगता है, हमारे परिवार पढ़ने के लिए हमें मना करते हैं। या दसवीं तक स्कूल है, दसवीं तक तो हम पढ़ लेते हैं, फिर आगे घर वाले कहते हैं नहीं रहने दो, माहौल खराब है, बस में मत जाओ, पर फिर भी हमें जाना पड़ता है। और ज़्यादातर तो लड़कियाँ स्कूल भी छोड़ देती हैं। मोदी सरकार से हमें यही प्रार्थना है कि हमारे लिए प्लस टू तक स्कूल करवा दियो, और हमारे तीनों सब्जेक्ट हमारे लिए होने चाहिए। आपसे विनती है कि हमारे प्लस टू तक स्कूल करवा दे बस। दिक्कत तो यही है जी, स्कूल प्लस टू तक होना चाहिए यहाँ, क्योंकि बस में हम जाते हैं, कॉलेज के बच्चे भी उसी बस में जाते हैं और हमें भी उसी बस में जाना पड़ता है। बस की भी हमारे पास ज़्यादा सुविधा नहीं है, या तो हर घंटे पर हमारे गांव में बस होनी चाहिए, ताकि जाने में स्कूल वाले बच्चों को और कॉलेज वालों को, स्कूल की बात, और भीड़ भाड़ इतनी होती है कि जगह नहीं मिलती, बच्चे लटक के जाते हैं उसमें, और इन बच्चों को भी दिक्कत होती है जो स्कूल में जाते हैं। कितनी दूर है यहाँ से स्कूल आपका 12th का? कम से कम 10-12 किलोमीटर दूर है। यहाँ 12th हम चाहते हैं कि हमारा प्लस टू हाई स्कूल तक होना चाहिए, प्लस टू तक, क्योंकि बच्चों को आने जाने में इतनी परेशानी होती है लड़कियों को, खास कर। कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? और पढ़ने के लिए हमारे आसपास कोई स्कूल नहीं है, हमारा स्कूल हर चीज में फर्स्ट आता है, तो परिवार में हमारे डिस्ट्रिक्ट में सबसे फर्स्ट है। हम चाहते हैं कि हमारा स्कूल हमें चाहिए प्लस टू तक। अभी कहाँ जो हम कह रहे हैं कि आप बच्चे पढ़ाओ थोड़े बहुत, और बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाने की ज़रूरत है, यहाँ पे कुल 39 बच्चे, 40 भी बच्चे नहीं बढ़ाने, आप बच्चे बढ़ाओ, ठीक है, फिर आपकी मांग 100% जायज़ हो जाती है, ठीक है ना, और फिर आपको प्रशासन की तरफ से सहयोग ना मिले तब आप ये बात कहो, ठीक है ना। और अगर आप ये सही रास्ता अपनाते हो तो फिर आप देखोगे प्रशासन की तरफ से आपको और कितने सहयोग मिलते हैं। हम सिर्फ स्कूल नहीं, हम पूरे गांव को ही चाइल्ड फ्रेंडली विलेज में कवर करके और बहुत सारे बेनिफिट्स दे सकते हैं, और वो देंगे। पहचान करवाओ, अब बाहर करो, ये नहीं खोलेंगे। 119 है, 66 दूर नहीं बोल सकूंगा, 150 बच्चों के आधार पर भी मैं केस भेजूंगा। आपने ये कहा था कि आप भेज दो, हम आप करवा लेंगे, आप लोगों ने कहा था, मैंने कहा भेज देता हूँ, आप करवा लो, आप समझे नहीं, क्योंकि मेरी तरफ से तो वही बात जाएगी। आज ये पूरा गांव बैठा, अभी मैं ये कह रहा हूँ कि 150 होते ही मैं तो भेज दूंगा। इन स्कूल के अभिभावकों की मांग है कि ये स्कूल 10+2 किया जाए, तो पेरेंट्स से बातचीत चल रही है और सरकार को इसके बारे में अवगत करा दिया जाएगा, और आगे जैसे भी निर्देश होंगे उसके तहत कार्रवाई। अभी क्या कुछ बातचीत हो पाई है आपकी उच्च अधिकारियों से? अभी तो बात यही है कि जो नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के, उसके तहत स्कूल अगर नॉर्म्स पूरे करता है तो अपडेट करने में कोई आपत्ति नहीं है। ट्रांसपोर्ट